मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल अलॉन्ग विद आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स नर्सेज टेक्नीशियंस अवतार बसंत एंड सो मेनी अदर्स। 22 फरवरी है, इस अलग के तरीके का केस होता है जो कि बहुत कॉमन केसेस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको कहते हैं माइट्रल वैल्व डिजीज। एक वैल्व होता है माइट्रल वैल्व, हार्ट के अंदर 4 वैल्व होते हैं, उसमें से ठीक उसमें से एक वैल्व ऐसा होता है जिसकी सुकड़न हो जाती है, उसको कहते हैं माइट्रल वैल्व। अब माइट्रल वैल्व डिजीज में क्या होता है, पेशेंट को सांस फूलती है और धड़कन हो सकती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर इस माइट्रल वैल्व डिजीज में स्टेनोसिस हो गई है, अगर इसमें धीरे धीरे करके लेफ्ट एट्रियम डायलेट हो जाता है और एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है और लेट स्टेज में स्ट्रोक भी हो सकता है, तो इस वाल्व को खोलना बहुत जरूरी होता है। दो तरीके, या तो वाल्व बदल दिया जाए ऑपरेशन करके छाती खोल के, दूसरा होता है अगर इसके अंदर लीकेज या रिगर्जेशन ज़्यादा नहीं है तो हम लोग बैलून से खोलते हैं। इस प्रोसीजर कहते हैं बैलून माइट्रल वेल्वोटमी BMV। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पेशेंट केवल 24 साल के हैं। सबसे पहले हमने हार्ट के अंदर पिक्टियल कैथेटर डाला, देखा माइट्रल रिगर्जेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट व्यू, उसके बाद हमने सेप्टम राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम सेप्टम में ट्यूब डाला, तो यहाँ पे वाल्व पे पहुंचना, बेसिकली हमको वाल्व तक पहुंचना है, दिख रहा है ना साफ, वाल्व तक पहुंचना है, और उसके बाद जलेबी वायर डाल के लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया जलेबी वायर डाल के। तो दिस इज अ वेरी टेक्निकल पार्ट, बिकॉज फाइनली आपको राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में पहुंचना है, राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में। नेक्स्ट मुझे दे दो, अब देखिए ये गुब्बारा है जो हमने राइट वाले हार्ट में डाल दिया, और ये गुब्बारा वाल्व के अक्रॉस खुला दिया, खोल दिया, अभी खुलेगा ये देखिए गुब्बारा फूला और गुब्बारा वाल्व के अंदर एक तरह का बन के और ये फूल गया। अब ये गुब्बारा फूला है जो, इसने वाल्व को खोल दिया, तो हमने ये किया प्रोसीजर का बड़ा टेक्निकल प्रोसीजर है। राइट हार्ट, हार्ट के अंदर दो हार्ट होते हैं राइट और लेफ्ट, राइट हार्ट से हम लेफ्ट हार्ट में पहुंचे क्योंकि माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में गुब्बारे को जहां वाल्व सुखड़ा हुआ है वहां करके फुला दिया। तो इस तरह से ये गुब्बारा फूल गया। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, इसको हमने क्लीन किया, ये पास थोड़ा सा देखो, दिस इज एक्चुअली द बैलून, इतना लंबा है और ये इसको कहते हैं बैलून मेटल वेल्वोप्लास्टी बैलून BMV बैलून, और इसको हमने इतना लंबा ट्यूब डाला था जो हार्ट के अंदर गया था, और पास देखा था पास से ये गुब्बारा है, ये जब फूल जाता है तो ऐसे दिखाई देता है। तो आपने देखा, और हमारे सारा बाकी सपोर्टिंग मटेरियल है जिससे कि इससे भर के डाई भर के हम फुलाते हैं, और इससे हम लोग पंक्चर करते हैं, सेप्टल नीडल है, ऑल दीज थिंग आर टेक्निकल डिटेल्स। पब्लिक की जानकारी का मतलब ये है कि टेक्निकल सपोर्ट के साथ, जैसे अभी मिश्रा बसंत हमारे साथ में हैं, अवतार हैं, श्याम हैं, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में काफ़ी टेक्निकल टीम काफ़ी स्ट्रांग है, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, एंड टेक्निकल टीम नर्सिंग टीम के साथ हम लोग इस तरह से गुब्बारे को से बैलून को खोल दिया, और बैलून को खुलाते ही वैल्व खुल गया, पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, जो पहले सांस फूलती थी नहीं, पेशेंट केवल 24 साल का है, और माइट्रल स्टेनोसिस इज नॉर्मली इन द यंग पीपल, नॉर्मली इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक, दिल की बीमारी से अलग होता है। एक बार फिर से हम दिखाते हुए मैं और समझा दूंगा इनको, देखिए अब आपको दिख रहा है ये देखिए ये गुब्बारा फूला, एक बार और फुला देना, चलता रहेगा ये, हाँ चलता रहेगा, देखिए ये गुब्बारा फूल रहा है वाल्व के तरफ से, ये देखिए ये गुब्बारा फूला हार्ट के वाल्व के अंदर, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस, कोई बेहोशी नहीं है, और हमने यहाँ पे ECG मॉनिटरिंग से देखते रहे। ठीक हो राजेश, बताओ, बिल्कुल जय श्री राम बोलो, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया काम हो गया, ये टीचिंग वीडियो बन गया। और मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से जानकारी फिर से देता हूँ, रूमेटिक हार्ट डिजीज इज अ डिफरेंट डिजीज फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में वाल्व के अंदर सुकड़न आती है। हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व में जो लेफ्ट साइड का वाल्व होता है वो माइट्रल वाल्व होता है और एओर्टिक वाल्व होता है। माइट्रल वाल्व में सुकड़न आती है जिससे कि पेशेंट को सांस फूलती है, फेफड़े में पानी आ जाता है, और अगर काफ़ी दिनों तक लटका रहे मामला, जैसे कि ये 24 साल के हैं, अगर 5-6 साल और लटक जाए तो एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की बीमारी होती है जिसमें कि हार्ट अननेसरी पड़ाता रहता है, और जिससे दिमाग में अंदर क्लॉट चला जाता है और स्ट्रोक हो जाता है। तो इट्स नॉट ए गुड डिजीज़,
बट इलाज अच्छा आ गया है और हम लोग ने इसको देखिए फिर से दिखाऊंगा गुब्बारे से, ये हमारी कैथ लैब है, ये गुब्बारा फूल रहा है, ये रिकॉर्डिंग है, ये पेशेंट ठीक हो चुके हैं, पेशेंट बात कर रहे हैं, कोई बेहोशी नहीं है और ये गुब्बारा फूला और इसने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। मैं फिर से दिखाता हूँ इसको, ये देखिए ये गुब्बारा फूला हार्ट के वाल्व के अक्रॉस, जब ये फूलता है गुब्बारा तो जो बीच में सुकड़न है वो दिखेगी आपको फिर से, जो सुकड़न वाला एरिया है बीच में नहीं खुलता, दोनों तरफ खुल गया, ये सुकड़न वाला, ये यहाँ सुकड़न थी वाल्व, ये पूरा खुल गया वाल्व। तो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, दैट बिना विदाउट ओपनिंग द चेस्ट, विदाउट ओपनिंग द हार्ट, विदाउट जस्ट फ्रॉम द ग्रोइन, पैर की नस से हम लोगों ने इसको नस को खोल दिया। राजेश जी ठीक है बिल्कुल, आप फर्स्ट क्लास, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के सर। बिहार से आए हैं, बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल ठीक हो गए, भगवान का जय श्री राम बोली जोर से, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ऑन 22nd फरवरी प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली।